सो माई सेल्फ जगदीप सिंह, एंड जैसा जज किया है वैसा ही है, आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन. बट इससे पहले आप मुझे और जज करो, मैं अपनी एक बात खुद ही बता देता हूँ कि मैं एक बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और रज के मिडिल क्लास आदमी हूँ. सो मिडिल क्लास पीपल इन द हाउस, गिव मी अ चीयर. देखो भाई, शर्माना नहीं है, जो जो बंदा यहाँ मिडिल क्लास है, गिव मी अ चीयर. मिडिल क्लास यहाँ कौन कौन है ये कैसे पता चलेगा? जिस जिसने अभी मेन्यू राइट से लेफ्ट पढ़ा होगा ना, सब मिडिल क्लास है. देखो भाई, मिडिल क्लास की ना एक खासियत होती है, मैं भी बता देता हूँ आपको, हम ज्यादा बड़ा सोचते नहीं है, बड़ा नहीं सोचते कभी, मतलब बड़े सोचते तो वैसे ही होते, ठीक है. हम छोटा मोटा सोच के ना काम चला लेते हैं. तो एक दिन मेरे पापा है मेरे पास, सुबह सुबह बोलते, बेटा आज हमने कोई टारगेट सेट किया? मैं कहा, साल ब्रश नहीं किया अभी तक तो. बोलते, बेटा आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मैं कहा, पापा लंच करूंगा. बेटा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? मैं कहा, पापा डिनर. तो फिर ये इधर मारी थी पापा ने मुझे इधर. तो हुआ क्या कि ऐसा नहीं, अब मिडिल क्लास हैं लेकिन सोचते बड़ा हैं बीच बीच में. मतलब मैं बड़ा सोचता था कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है. जब मैंने 12th पास की तो मैं ये सोचता गया क्या बड़ा करूं, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली. फिर मुझे 4 साल मिले सोचने के लिए कि क्या करना है. तो कॉलेज जाने के बाद ना सबसे बेस्ट चीज जो मेरे साथ हुई, ये नहीं कि डिग्री मिली या नौकरी मिली, नहीं, अपने जैसे और मिले मुझे. मतलब एक बंदा क्लास में नहीं आया, मैं कहा, यार क्लास पढ़ने यार, बता मैं बिजी हूं, क्या कर रहा है? मतलब सोच रहा हूं. मैंने कहा ठीक है भाई. अगले दिन पूछा, भाई आज भी क्लास नहीं आया? बता बड़ा सोच रहा हूं. तो तीसरे दिन उसने कुछ नहीं बोला, मैं कहा सपनी लग गई भाई. तो एक फ्रेंड था मेरा, वो फाइनल ईयर में ना बड़ा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोलता भाई लाइफ शॉर्ट है, भाई लाइफ मतलब बन गया. मैं क्या हो गया? मैं क्या एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मिल रहा है मैं इसमें? बोलता नहीं, थोड़ा बड़ा. मैं क्या, दो मिल रहे हैं? बोलता एक स्टार्टअप का आइडिया हाथ लगा है भाई, निकलते ही करोड़पति. मैंने कहा दिखा कहाँ है आइडिया? बोलता यहाँ. मैं कहा ठीक है. बोलता सीधे बैंगलोर जाऊंगा, मस्त सीईओ बनूंगा, 5 साल में भाई करोड़पति होगा. मैं कहा ठीक है. कल मैं कच्ची छावनी में घूम रहा था, वही बंदा मुझे वहां पे सेल पे दिखा. अब बंदा दिल का अच्छा था, मुझे देख के मेरे तक दौड़ता हुआ आया, मैं भी उसके दौड़ता हुआ गया. मैं गले मिल रहा था, उसने तब तक मेरे जेब में हाथ डाला, फोन निकाला मेरा. मैं कहा क्या? बोलता अभी एक रेफरल भेजूंगा एक ऐप का, वो डाउनलोड करना, 50 रुपए तुझे मिलेंगे, 50 रुपए मुझे मिलेंगे. फिर मैंने उससे आगे कुछ नहीं पूछा. ऐसे आप सबके दोस्त हैं या नहीं है रेफरल वाले? तो देखो एक बात बताता हूं मैं, हम में और रिच लोगों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, हम में और रिच लोगों में. बस ये ना अपनी चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं. मतलब सेम चीज हम यूज कर रहे होंगे, सेम चीज ये यूज कर रहे होंगे, लेकिन इनका तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है. मतलब जैसे हमारे अंशिता मैम है, जर्मनी में रहते, तो ये कुछ खा रहे थे, किसी ने पूछा क्या खा रहे हो आप, ये अजीब सा क्या खा रहे हो? एक्सक्यूज मी, दिस इज कॉटन कैंडी, आर यू गेटिंग मी? कॉटन कैंडी. मुझे कोई पूछ ले क्या खा रहे हो, मैं बुड्ढी के बाल. और एक चीज आपको माननी पड़े, फर्स्ट लेडीज इन द हाउस गिव मी अ चीयर. घर में ना, जैसे मिडिल क्लास घर की बात कर रहा हूं, ऑफकोर्स जो आपने मोहब्बतें मूवी देखी है, घर में मिडिल क्लास की जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन किसने क्रिएट किया है? तो लेडीज ने क्रिएट किया है. मतलब मेरी माँ इतनी बड़ी मिडिल क्लास की फैन है, बट मिडिल क्लास के उसमें ट्रेड्स हैं कि जो हम सामान लाते हैं ना प्लास्टिक बैग्स में, उसको संभालने के लिए भी एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ है. और इतनी टेंस से टेंस सिचुएशन में अपनी वो प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन को नहीं छोड़ेंगी. परसों हम रात को सो रहे थे तो ना कुछ चोर घुसा है घर पे, तो मैंने कहा मम्मी चोर आए, चुप. पहले मैं सोचा थोड़ा बाहुबली बनता हूँ, फिर देखा उनके हाथ में हथियार भी हैं. मैं कहा मम्मी रुको, मैं किसी को फोन मिलाता हूँ, चुप, बात नहीं करना. मैं जैसे ही फोन निकालने लगा तो तब तक चोर आए, वो कुछ अब चोरी करने आए थे, कुछ ढूंढ रहे थे, सामने फ्रिज पड़ा था, तो उन्हें फ्रिज खोला और पानी की बोतल वहां से निकाली. माँ पीछे से, भर के रखना अंदर. मैंने कहा माँ दिखा दी ना मिडिल क्लास वाली औकात. अब हुआ क्या, उससे एक चीज ये हुई कि आइस ब्रेक हो गई. उसके बाद वो चोर ना हमारे से बड़े फ्रेंडली हो गए. तो हमने, माँ ने बोला आए हो तो चाय की पत्ती निकाल दो, दूध चाय बना दो थोड़ी. तो चाय वाय बनाई, सब बैठे पी रहे, तो उससे पूछ लिया ऐसे मम्मी ने, वैसे तुम करने गए थे? वो तो आंटी जी चोरी. तो किस चीज की? बोलते पैसों की. फिर चाय खत्म होने के बाद हम भी उनके साथ पैसे ढूंढ रहे थे, साले हमारे घर में पैसे है कहाँ? देखो जो घर की मदर्स होती है ना, उनका ठीक ठाक दबदबा मानते हो उस बात को, पापा से ज्यादा मम्मी का दबदबा आता है घर पे, होता है ना. अगर आपके घर में कांच का गिलास टूटा और सन्नाटा है, मतलब गिलास मां से टूटा है,
और किसी की मजान। और ना मिडिल क्लास की मदर्स ना काफी क्रिएटिव होती हैं, मतलब कोई गेस्ट आएंगे, बेड पे अखबार बिछाई डाइनिंग टेबल। और क्रिएटिविटी की हद तब हुई, अब हम कल परसों पिकनिक जा रहे थे फैमिली वाले, तो मेरे एक भाई लेट हो गया थोड़ा आने में, तो माँ ने कहा कि कॉल कर पूछ उसको कहाँ है, तो मैंने कॉल करा तो माँ बोलती कहा, मैंने कहा काट दिया, वो तो पहुंचने ही वाला होगा। असेसमेंट नहीं समझ आया, तो असेसमेंट का इतना बड़ा लेवल है ना कि अमेरिका में जो FBI है ना उनको हमसे सीखना चाहिए। मतलब अमेरिका में कभी कोई इंटेरोगेशन सीन चल रहा होता है या कभी कोई क्राइम सीन चल रहा होता है तो कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है उसके लिए लाइट डिटेक्टर होता है, सुना है लाइट डिटेक्टर? हमारे यहाँ क्या होता है, वो भोसड़ी का हसरा इसी ने किया होगा। नॉट पॉइंटिंग टू एनीबडी, इट्स अ जोक, टेक इट एज अ जोक, फाइन। तो देखो एक अब हम आते हैं अपने मिडिल क्लास लौंडों पे, मिडिल क्लास लौंडे गिव मी अ चीयर, बस इतना ही है, शर्म आती मिडिल क्लास होने पे, गिव मी अ चीयर, कम ऑन। देखो एक गरीब आदमी ना दिन भर मजदूरी करके मेहनत करके रात को आराम से सो जाता है, और एक जो रिच होता है, जो रिच होते हैं वो स्कॉच स्क्रूज ब्लैक डॉग लगा के वो भी आराम से सो जाते हैं। एक मिडिल क्लास लौंडा सिर्फ इसलिए सोता है कि फोन चार्ज हो सके सुबह तक। अब कुछ हैरान हुए, हमारे पास फोन है, बेसिक जोलो का है पर है, तो एक दिक्कत होगी फोन आने पे। पहले ना हमें अपनी सैलरी छुपानी पड़ती थी, अब गैलरी भी छुपानी पड़ती है। तो हुआ क्या कि अब देखो सैलरी हमें मिलेगी भी कहां से, जब भी हमारे को इंटरव्यूज होते हैं जॉब के वहां हमक के आ जाते हैं। अभी मेरा एक इंटरव्यू था पीछे, तो इंटरव्यू वाले ने मुझसे पूछा कि बेटा आपको एक्सेल आता है? मैंने कहा आता तो है पर थोड़ा खुला लगेगा। फ्रंट के मारा बाहर उसने मुझे। देखो अब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जब निकला, मैंने कहा अब कॉमेडी तो करता ही, एक्टिंग थोड़ी बहुत आती है, तो थोड़ा उसके लिए भी एक्टिंग के थोड़े ऑडिशन के लिए निकल जाते, तो मैं धर्मा प्रोडक्शन का ऑडिशन में गया, तो एक लंबी सी लाइन थी। तो जैसे ही मैं बोलते अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, मैंने दिखाया, बोलते सर आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, आपको सिक्स पैक बनाने पड़ेंगे, आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, आना चाहिए, वो आना चाहिए, इतनी बड़ी लिस्ट दे दी। मैं कहा ठीक है यार। दूसरी एक लाइन थी वहां पे ना स्टार के बेटे, मतलब आलिया भट्ट वगैरह वगैरह वो सब जो स्टार्स के बेटे वो लगे थे, जब वो गए आपको आपको बेटा आपको वेट लूज करना है बस, मतलब उन्हें वेट लूज करना है, हमें सब सीखना है, मतलब हमें एक स्क्रिप्ट देते हैं वो, उन्हें ग्रीन टी देते हैं, मैडम ये पियो, अच्छा एक्टिंग का क्या होगा उसमें ना राजकुमार राव को रख देंगे या नज़र सिद्दीकी को रख देंगे, वो काम चल जाएगा, आप बेटा आप वेट लूज करो। तो अब हो क्या रहा है कि देखो अब इलेक्शन आने वाले हैं, वैसे तो मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है किसी के लिए, ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए, लेकिन मैं ना बीजेपी का बहुत बड़ा फैन हूं। कांग्रेस 70 साल से ना गरीबी हटाने में लगी हुई थी, बीजेपी ने आई अमीरी हटा दी। और कांग्रेस से मैं दुखी इसलिए हूं, साला हमारे पेट पे लात मार रहे हो, हमसे अच्छी कॉमेडी वो कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली एक रफाल डील की बड़ी वो चल रही है, सुना है? IAS की तैयारी कर रहे हो? तो एक रफाल डील का ना उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया, राहुल गांधी कोई और स्टेटमेंट दे रहा है, पी चिदम्बरम कोई और स्टेटमेंट दे रहा है, इतनी स्टेटमेंट नहीं अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहां फ्रांस कंफ्यूज हो गया है, भाई इनसे पैसे लेने की देने हैं। ओके गाइस अब दिस इज फर्स्ट टाइम टुडे, फाइन। एक वीक आने वाला है, कौन सा वीक आने वाला है? वैलेंटाइन। देखो मुझे 14th वाला पता है, वैलेंटाइन डे बोलते हैं, उससे पहले ना बहुत सारे डेज आते हैं, विल यू हेल्प मी इन दैट, कौन कौन से डे होते हैं? रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, यस, स्लैब डे, स्लैब डे एंड किस डे एंड फाइनली वैलेंटाइन डे। उसके बाद एक दोस्त आता है, भाई मेरे पैसे दे। ओके ओके सो दिस वॉज माई टाइम, दिस इज जगदीप सिंह, थैंक यू सो मच।